दोस्तों, इस 2023 में मैंने 11 43 इंच टीवियों की अनबॉक्सिंग करी है। दैट्स अ ह्यूज नंबर बिकॉज ये सेगमेंट ही ऐसा है। सभी टीवियों के नाम मैं आपको बताऊं तो लिस्ट है वीयू प्रीमियम 43 इंच 4K से शुरुआत हुई थी, उसके बाद शाओमी स्मार्ट टीवी एक्स प्रो, सोनी ब्राविया X64L, सैमसंग का क्रिस्टल 4K आई स्मार्ट टेलीविजन, इसका विजन वाले की भी अनबॉक्सिंग करी थी बट वो थोड़ा बड़े साइज में करी थी। 43 इंच फुल HD की हम बात करें तो एक इन्फिनिक्स 43X3IN में भी किया था हमने, वैसे 43 इंच में फुल HD आना बंद हो गए हैं। तो शिवासी 350 MP 43 इंच 4K, डायनोरा का सिग्मा 43 इंच फुल HD, LG UR7500, इन्फिनिक्स का W1 QLED जो कि एक बहुत शानदार टेलीविजन निकला है, Redmi 43 इंच 4K Fire TV एंड Hisense U6K। ये थी 11 टीवियां जिनकी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है इस साल के दौरान अपने चैनल पे। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2023 में कौन सा बेस्ट 43 इंच टीवी है अलग अलग बजट के अनुसार और अलग अलग सेगमेंट्स के अनुसार जो आपको लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब जवाब मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन 11 टीवियों में से ही मैंने चुनिंदा डील्स की हैं। कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी टीवियाँ थी उनको भी मैंने ले लिया बट वो मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की होंगी ऐसा हो सकता है, बट सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। सभी बाइंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इन टीवियों को खरीद सकते हैं। जो मेरी रिकमेंडेड है वो सबसे ऊपर दिए गई होंगी, जो कम रिकमेंडेड है वो घटते हुए क्रम में सबसे लास्ट में दी होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी टीवी की। दोस्तों, दो टीवियाँ हैं पिक्चर क्वालिटी में जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर किसी का बजट अनलिमिटेड है कि भैया हम बजट सर कितना भी खर्च कर सकते हैं 30-35-40 हज़ार तक भी, तो सोनी का X64L विल बी द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी अभी तक कोई भी 43 इंच 4K में जो मैंने अनबॉक्सिंग करी है हरा नहीं पाया है कोई भी टीवी, बिकॉज इट हैज़ द बेस्ट सोनीज कलर एंड जो सब कुछ बेस्ट ही था इसमें। ऐसा कुछ मेरे को लगा ही नहीं कि जो गड़बड़ रहे। इसका 3 months later रिव्यू भी मैंने किया था एंड इट वॉज जस्ट द बेस्ट। सेकेंड टीवी की बात करें तो हम बात करेंगे इन्फिनिक्स W1 QLED की। सवाल ये आता है कि भैया 22,000 रुपये का टीवी सजेस्ट कर रहे हो लेकिन हमारा बजट तो 30,000 रुपये का है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट 30,000 का है तो आपको 30,000 रुपये ही खर्च करने हैं। अगर 22,000 रुपये में ही आपको एक ऐसा टीवी मिल रहा है जिसने 32,000 रुपये के LG के टीवी, 31,000 रुपये के सैमसंग के क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी या फिर शाओमी एक्स प्रो जो कि 32,000 रुपये का टेलीविजन था, सबको पछाड़ा है एक सिंगल इकलौते टीवी ने इन्फिनिक्स W1 QLED, तो क्यों आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। मैं सजेस्ट करूँगा इन्फिनिक्स W1 QLED एक ऐसा टीवी है जो बड़े बड़े टीवियों को पछाड़ के आया है एंड इट्स जस्ट द बेस्ट। अगर आप सेकेंड पिक्चर क्वालिटी में पूछोगे तो पिक्चर क्वालिटी में इससे बेहतर टीवी मिलना काफ़ी मुश्किल है। सोनी वाला अलग रेंज चली जाती है बट हाँ, सोनी के बाद यही आता है। एक और बात आपको यहाँ पर स्लिप इन करना चाह रहा हूँ, 32 इंच में जब मैंने इन्फिनिक्स और एसर वी सीरीज क्यूलेट का कंपेरिजन किया था तो एसर वी सीरीज क्यूलेट जीता था, तो यहाँ पर मैं एसर वी सीरीज क्यूलेट का मैंने इन्फिनिक्स W1 43 इंच के साथ कंपेरिजन नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पर मालूम नहीं है कि एसर कैसे परफॉर्म करेगा इन्फिनिक्स 43 इंच W1 क्यूलेट के साथ में। हो सकता है बेटर हो लेकिन मैंने नहीं किया, तो मैंने उसको यहाँ पे एसर वी सीरीज की क्यूलेट को कंसीडर नहीं किया है। ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बार सोनी बहुत आगे निकल गया है। सोनी की ना पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब एकदम जबरदस्त रहता है। उनके गूगल टीवी में भी आपको उनके खुद के प्रोसेसर जो होती है सोनी की X1 की जो चिप होती है वो बेहतरीन परफॉर्म करता है। इस वजह से सोनी का X64L यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी में भी जीत रहा है। दूसरी बात करते हैं, हम एक और टीवी की बात कर लेते हैं, तो वो रहेगा शाओमी का एक्स प्रो। यहाँ पे मैंने 2022 के मॉडल की अनबॉक्सिंग करी थी जनवरी फरवरी में, लेकिन 2023 का भी निकाल लिया है। साल में दो दो टीवी सेम नाम से निकाल के देता है शाओमी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शाओमी एक्स प्रो में जो स्पीकर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड काफ़ी लाउड भी थे, बेस भी था, सब कुछ बढ़िया था, हैंड फ्री कंट्रोल भी उस टीवी में आता था। यू कैन चेक आउट दैट टीवी ऑल्सो अगर आप ऑडियो क्वालिटी आपका एक कंसर्न है। UI की बात करें, यस, 32 इंच में इन्फिनिक्स W1 को UI में मैंने जिताया नहीं, मैंने एसर वी सीरीज क्यूलेट को जिताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी सबसे पहले तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि एसर वी सीरीज क्यूलेट में आपको एक रिमोट ढंग का मिलता था स्मार्ट,
और इन्फिनिक्स W1 32 में रिमोट नहीं मिलता था, बट इन्फिनिक्स W1 43 में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मैजिक रिमोट, जो कि LG की 32,000 रुपये की टीवी जो है ना UR7500 जो हमने अनबॉक्सिंग करी थी उसके साथ भी देखने को नहीं मिलता है। अब जब ऐसा होता है ना तो मूड खराब होता है, जब 22,000 में मैजिक रिमोट मिल रहा है, एक बढ़िया LG का वेबोस में बिल्ट इन आ रहा है एंड एवरीथिंग इज जस्ट ग्रेट अबाउट दिस यूजर इंटरफेस, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा ना इन्फिनिक्स का W1 QLED का जो वो है वेबोस विद मैजिक रिमोट, इट्स द बेस्ट जो कि आप ले पाएंगे UI के हिसाब से अगर एक टीवी लेना चाहते हो तो। कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि UI के हिसाब से क्यों, क्योंकि मैं मानता हूँ ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज द मेन फीचर्स ऑफ ए टीवी अगर आप टीवी खरीदना चाहते हो, लेकिन UI ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ एसेंशियल थिंग nowadays अगर आपको एक अच्छा टीवी लेना है तो, बिकॉज आप इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो टीवी से वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है मेरी नेचर में। तो इन्फिनिक्स का W1 जीतेगा। अगर गूगल टीवी की बात कर रहे हो, अगर हमें नहीं चाहिए वेबोस हमको गूगल टीवी बात करते हैं, तो भैया एक टीवी है तोशिबा का C350MP, इट इज़ द बेस्ट गूगल टीवी एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन एनी टीवी। तोशिबा का C350MP का यूजर इंटरफेस इज जस्ट द बेस्ट, वो भी खुद का चिप लगाते हैं रेक्सा इंजन 4K का एंड वो बहुत फास्ट टीवी था। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो और टीवी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब बात करते हैं बेस्ट टीवी बजट के हिसाब से, 22,000 तक लेना है 43 इंच का टीवी फुल HD या 4K जो भी है, इन्फिनिक्स W1 QLED इज द विनर, साफ सीधी बात है इससे बेहतर टीवी नहीं मिलेगा। 30,000 रुपये तक बात करेंगे तो भैया मैं सैमसंग क्रिस्टल विजन को यहाँ पे जिताऊंगा। सैमसंग का क्रिस्टल विजन टीवी सब चीज़ों को मिला के बेहतरीन था, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस, रिमोट, इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल्स, सब जोड़ जाड़ के इट्स द बेस्ट टीवी यू कैन बाय अंडर 30,000, थोड़ा और सस्ता मिल सकेगा। एक और ऑनरेबल मेंशन दूंगा मैं Redmi Fire TV को, दैट इज ऑल्सो ग्रेट टीवी, आप चेकआउट कर सकते हो उसको भी। लेकिन अगर बजट है अनलिमिटेड 40-45 तक जा सकते हैं हम और हमें टीवी चाहिए बेस्ट, हमें कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ जो हम कम ले सकें, तो भैया Sony X64L इज़ द बेस्ट टीवी यू कैन बाई इन 43 इंच 4K टीवी, बेस्ट है, पिक्चर क्वालिटी बेस्ट है, ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है, UI बेस्ट है, सब चीज़ बेस्ट ही बेस्ट है, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। Sony X64L बी द चॉइस अगर आप 40,000 रुपये तक खर्च करना चाहते हैं और एक 43 इंच का टीवी लेना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड एक रिक्वेस्ट है, यहाँ तक पहुँचे हो तो 30 इंच वाली वीडियो भी देख के आए होंगे और इसको भी देख रहे हो तो एक लाइक कर सकते हो। अवार्ड वाली वीडियो अलग से आएगी, उसमें मैं प्रॉपर अवार्ड दूंगा, पर यहाँ पे आप इन टीवियों को खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन से वीडियो भी जाकर देख सकते हो, इनकी जो डेडिकेटेड वीडियो वो भी जाकर देख सकते हो, बट लाइक जरूर करके जाना। और एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर मोर वीडियोज, क्वेश्चंस, आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द मैं पहुँचा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।